हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि भैरव तालाब कैंपस के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का चौथा नया कैंपस, जो सन 2019 में शुरू किया गया था, जिसका अनावरण माननीय आनंदीबेन पटेल, जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, उनके द्वारा किया गया था। तो वहाँ पर काफ़ी सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन विद्यापीठ प्रशासन एवं प्रशासनिक भवन छात्रों के मांग के अनुसार लगातार कार्यरत है, तथा एक नया अपडेट जो आया हुआ है एग्रीकल्चर छात्रों के लिए, वो है जिसे हम आप लोगों के बीच शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि छात्रों की प्रयोगशाला बनेगा गंगापुर कैंपस। चूँकि भैरव तालाब कैंपस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो है, वो उसके तृतीय कैंपस, जो गंगापुर कैंपस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा सारी विषय अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लैंड बची हुई थी, जो कि वहाँ पर फिशरी डेयरी वगैरह के लिए उपयुक्त जगह था किसानों के बीच में। तो वहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने सेटअप करने की कोशिश की है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्रों की प्रयोगशाला बनेगा गंगापुर कैंपस। तो यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा एग्रीकल्चर संबंधी अन्य अपडेट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, BHU, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी, परीक्षा संबंधी अपडेट आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एवं वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का गंगापुर कैंपस अब कृषि विकास को नई धार देगा। भैरव तालाब में बने कृषि संकाय की प्रयोगशाला भी गंगापुर में बनने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सभी औपचारिक पूर्ण हो गई हैं। इसके अलावा 60 एकड़ में कैंपस को नई शिक्षा नीति के अनुसार स्किल डेवलपमेंट व्यावसायिक शिक्षा के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। चूँकि वहाँ पर 60 एकड़ की भूमि में पूरा कैंपस फैला हुआ है, और जो एग्रीकल्चर की जो मतलब फॉर्मेलिटी होती है, जो विद्यापीठ प्रशासन द्वारा जो पूर्ण की जाती है, वो पूर्ण की जा चुकी है। और यहाँ पर नीचे आइए, देखिए लिखा हुआ है कि काशी विद्यापीठ के गंगापुर स्थित डॉक्टर विभूति नारायण सिंह परिसर में वर्तमान सत्र में साइकोथेरेपी के डिप्लोमा कोर्स की भी शुरुआत की गई है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि परिसर के निदेशक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी सत्र से योगा, नेचुरल थेरेपी, BA LLB BA BCOM, BEd इंट्रोग्रेटेड पाठ्यक्रम से संचालित भी कार्य परिषद ने मंजूरी दे दी है। तो जो विद्यापीठ प्रशासन है, वो मंजूरी दे दिया है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि परिसर निदेशक योगेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम अभी हमने बताया है, वो विद्यापीठ प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर लैब का भी परिसर में निर्माण कराया जा रहा है। गंगापुर कैंपस के विस्तार के लिए कुलपति प्रोफेसर TN सिंह ने पिछले दिनों CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके प्रस्ताव को सौंप दिया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके इसको विस्तार करने के लिए, जो बजट वगैरह कमी पड़ती होगी, तो उसके लिए औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात ऑलरेडी कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, आइए हम नीचे देखते हैं, लिखा है कि भैरव तालाब स्थित कृषि विज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला के तौर पर गंगापुर कैंपस को विकसित किया जा रहा है। इसके तहत 15 एकड़ क्षेत्रफल में फार्म हाउस और मत्स्य पालन भी किया जाएगा। इसमें BSc कृषि के छात्रों को ग्रामीण परिवेश में कृषि प्रयोगशाला में काम करने के साथ स्किल डेवलपमेंट भी होगा। चूंकि जो भैरव तालाब कैंपस बनाया गया है, यहाँ पर जो विद्यापीठ प्रशासन के पास जमीन कम पड़ रही थी, तो वहाँ गंगापुर कैंपस में बना दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है गंगापुर परिसर में जल्द ही OPD की भी शुरुआत होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने एग्रीकल्चर संबंधी अपडेट को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया है। चूँकि यहाँ जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएँ होंगी, तो उनके लिए सहायक होगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। और यदि कोई आपका मित्र दोस्त यदि एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहता है, तो इस
वीडियो के लिंक को उसके तक पास तक पहुंचाएं, ताकि वो नए नए अपडेट उसके पास भी पहुंचते रहे। थैंक यू।